ओके सो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो सभी लोग? आप सभी लोगों को स्वागत है दोबारा से गेम वीडियो के अंदर। और आज हम जाने वाले अपने GTA San Andreas वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि गाइस यार आज अपने लॉस सैंटोस के अंदर भाई प्रेसिडेंट आया हुआ। और भाई प्रेसिडेंट आया हुआ मतलब यार हम लोगों के पास भाई एक ही काम है यार, उसकी गाड़ी को चुराना। मतलब गाइस यार उसके पास भाई बहुत ही ज्यादा मस्ती गाड़ी है। गाइस यार उस गाड़ी का नाम तो भाई मेरे को भी अभी तक नहीं बताया गया कॉल पे, तो गाइस हम लोग जाकर देखना भाई वो कौन सी गाड़ी। बस खाली मेरे को इतना पता है कि गाइस वो जो गाड़ी होने वाली है वो भाई बुलेट प्रूफ होने वाली है। तो गाइस ये गाड़ी भाई हम लोग की भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलते हैं गेम के अंदर, देखते हैं भाई क्या चीज है। तो चलो गाइस यार फटाफट से हम लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं। और गाइस यार आज कुछ खाना पीना नहीं करने वाले हैं, क्योंकि गाइस यार प्रेसिडेंट भाई कभी भी जा सकता है। तो गाइस यार जितनी जल्दी हो सकता है भाई हम लोग अपनी लैम्बो उठाते हैं, चलते हैं सीधा उसी गाड़ी उठाने के लिए। और गाइस यार अभी आप लोग सोच रहे होंगे भाई मेरे पास भाई सुपरा है, लैम्बो है, सुपर कार कितनी ज़्यादा हो चुकी है, तब भी भाई मैं अभी तक गाड़ी चोरी करने जा रहा हूँ। गाइस यार इसकी भाई एक ही वजह है गाइस, वो जो गाड़ी है भाई मैं उन्हीं गाड़ियों को चोरी कर रहा हूँ जो कि यार लॉस सैंटोस के अंदर एकदम रेयर होती है, जिनको यार खरीदना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल होता है। भाई पैसा तो बहुत मेरे पास, लेकिन यार गाइस वही दिक्कत है ना यार, कुछ गाड़ियाँ होती है जिनको यार पैसों से नहीं खरीद सकते, तो बस उन्हीं गाड़ी को भाई हम लोग को चुराना होता है। तो चलते हैं प्रेसिडेंट के पास, लेकिन उससे पहले यार गाइस यार लास्ट वाली वीडियो में हम लोग अपनी सुपरा को उठा के जाते हैं। तो चलो गाइस यार वहीं पर अपनी लैम्बो खड़ी कर लेते हैं, क्योंकि यार उस वाले घर से यार प्रेसिडेंट जहाँ पे आया हुआ है वहाँ से वो वाली लोकेशन भाई बहुत ही ज़्यादा पास है। तो फटाफट से चलते हैं भाई यार, लैम्बो गलती ठोक दी हम लोगों ने, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम लोग के पास भाई मैकेनिक की दुकान आ चुकी है, तो कोई दिक्कत बात नहीं यार, जितनी भी गाड़ियाँ भाई हम लोग ठीक करवा लेंगे, कोई दिक्कत बात नहीं। तो चलो गाइस चलते हैं सीधा अपने नए वाले घर की तरफ। तो गाइस यार अभी हम लोग आ चुके अपने नए वाले घर की तरफ को। और गाइस यार ये देखो भाई मेरे सुपरा यहाँ पे खड़ी हुई भाई, कितनी ज़्यादा मस्त लग रही है भाई, इतना मस्त घर है। उसके भाई गैराज में भाई सुपरा और लैम्बोर्गिनी खड़ी हुई है भाई, कितनी ज़्यादा मस्ती बात है भाई, इससे अच्छी बात क्या ही हो सकती है। और तो गाइस यार फिर अपनी गाड़ी को उन्होंने यहाँ पे खड़ा कर दिया, सुपरा भाई थोड़ी सी किनारे हो जा, अब भाई अपनी गाड़ी मस्त लग रही है। और गाइस यार लास्ट वाली वीडियो में यार मैं अपने घर का टूर दे देता भाई, एक बार दे देता हूँ। तो चलो यार फटाफट से अपने घर के अंदर दिखाते हैं भाई घर के क्या ही हाल है। लेकिन भाई सुपरा भाई मेरी इतनी ज़्यादा मस्त लग रही है कि भाई इसको देखने से भाई दिल ही नहीं हटता। लेकिन चलो यार गाइस अभी हटाते हैं इसको और चलते हैं भाई सीधे घर के अंदर और देख लेते हैं भाई घर के अंदर भाई सब ठीक ठाक तो है ना। तो गाइस जब घर के अंदर आते हैं यार, मैंने पिछली बार बताया था आप लोगों के हम लोगों के पास भाई दो बेडरूम है और एक किचन है, बाकी तरह की बात हुआ तुम्हें तो कोई दिक्कत बात नहीं यार। अभी मेरे पास भाई इतना टाइम नहीं कि भाई मैं सब कुछ दिखाऊँ, तो गाइस जब इतना ही टूर खाते रहेगा मेरे ख्याल से। अभी चलते हैं भाई सीधा अपने घर से बाहर और निकलते हैं सीधा प्रेसिडेंट की गाड़ी को उठाने के लिए हम लोग। तो गाइस यार हम लोग को यहाँ पर टैक्सी मिल चुकी है। और गाइस अभी आप लोग सोच रहे हो भाई मैंने टैक्सी क्यों उठाया यार, टैक्सी उठाने की भाई एक ही वजह है, क्योंकि गाइस यार अगर अभी हम लोग ऐसे नॉर्मल वाली गाड़ी में जाने वाले हैं तो गाइस यार सिंपल सी बात है यार हम लोग फंस जाने वाले हैं। तो गाइस टैक्सी जाएंगे तो भाई किसी को शक ही नहीं होगा। तो गाइस चलो यार फटाफट अपनी टैक्सी उठाते हैं और चलते हैं सीधा प्रेसिडेंट की लोकेशन की तरफ को। तो गाइस यार अभी हम लोग आ चुके हैं भाई प्रेसिडेंट की जहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई है, उसकी छत पे भाई मैंने क्या जंप मारी यार भाई, मैंने बातों में जंप मार देखा भी नहीं। लेकिन गाइस यार नीचे आप लोग देखोगे तो भाई हम लोग यहाँ पे भाई अपनी लीमो मिल गई है। और गाइस यहाँ पे भाई कितनी ज़्यादा तगड़ी सिक्योरिटी लगी हुई है, और भाई ऊपर से भाई कुछ हेलीकॉप्टर से भाई नज़र रख रहे हैं। और गाइस यार अभी भाई मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ, क्योंकि गाइस यार ऊपर जो हेलीकॉप्टर भाई नज़र रख रहे थे और उन्होंने भाई मेरे को देख लिया। और गाइस अभी फालतू में भाई मेरे को उसको शूट करना पड़ गया। तो गाइस अब जब हम लोगों ने शूट कर ही दिया, ये लोग जान ही गए कि हम लोग यहाँ पे इसे चुराने के लिए आए हैं। तो गाइस अभी हम लोग कूदते हैं, छलांग मारते हैं और इसको ठोकते हुए चलते हैं सीधा अपनी गाड़ी को लेके, फरार होते हैं अपने घर पे खड़ी करते हैं। और भाई फाइनली हमारे पास अपनी लीमो जो है वो आ जाएगी। तो गाइस यार अभी भाई कोई और रास्ता नहीं बचा हुआ, तो यार हम लोग को यहाँ से छलांग मारनी पड़ेगी। तो 3, 2, 1 को छलांग मारते हैं यहाँ से, अपनी गाड़ी उठाते हैं फटाफट से निकलते हैं यहाँ से। और गाइस यार इससे पहले कि यार हम लोग पकड़े, उससे पहले कि यार हम लोग को अपनी गाड़ी को उठा के भरना पड़ेगा। फिर मैंने सोच ला दिया, भाई पीछे से भाई 5-6 बंदे खड़े हुए हैं। तो गाइस यार भाई प्रेसिडेंट ने भाई कितनी ज़्यादा ही तगड़ी सिक्योरिटी लगा के रखी हुई यहाँ पे। तो गाइस हम लोग को फटाफट से भाई जितनी जल्दी हो सकता है अपनी गाड़ी को यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो गाइस यार अपनी गाड़ी को हम लोगों ने यहाँ पे जिला कार्यालय से बाहर से निकाल लिया है। अब भाई जितनी जल्दी हो सकता है भाई अपने घर की तरफ को लेकर जाना पड़ेगा हम लोग को। तो गाइस यार अब भाई पुलिस वाले से चेस भी होने वाले हैं हम लोग की, तो थोड़ा बहुत इंतजार करना पड़ेगा हम लोग उनसे बचने का। और भाई जितनी जल्दी हो सकता है भाई यहाँ से हम लोग निकलने की पूरी की तरह से कोशिश करेंगे। तो गाइस यार हम लोग अपनी गाड़ी को भाई जितना बचा सकते हैं बचाना है, लेकिन यार गाइस फिलहाल मेरे पास भाई मैंने फुल फालतू वाला मैकेनिक है, तो यार गाइस वो गाड़ी को ठीक कर देगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि गाइस यार आप लोग देखोगे तो भाई पुलिस वाले भाई इतनी गंदी टक्कर मार रहे हैं कि भाई मेरी गाड़ी से धुआं निकलने लग गया है। और भाई मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार उन लोगों ने भाई हम लोग को धोखा दिया है, मतलब कि यार ये जो गाड़ी है भाई एकदम नॉर्मल लीमो है, ना कि यार बुलेट प्रूफ वाली लीमो है। तो गाइस यार मेरे ख्याल से भाई इस गाड़ी को रोकने का फायदा भी नहीं होगा, लेकिन यार गाइस अभी दिक्कत ये हो गई है कि गाइस हम लोग को धोखा भी मिल चुका है। गाइस इस गाड़ी को रोकने का फायदा भी नहीं, लेकिन यार हम लोग इन लोगों की नज़र में आ चुके हैं, जिसकी वजह से यार गाइस हम लोग को भाई अपनी गाड़ी में भाई फायर लग चुकी है। भाई भागो यहाँ से जल्दी हो, जल्दी हो सकता है, क्योंकि गाइस यार हम लोग भाई बहुत ही गंदे वाला बच चुके हैं, हम लोग को भाई इन लोगों को पता चल। तो गाइस यार अभी इन लोगों से बचने का भाई एक ही तरीका बचा हुआ है कि गाइस यार हम लोग अपने साथ प्लान बी लेके आए थे, जो कि यार मैंने आप लोगों को भी नहीं बताया था।
बिकॉज ऑफ यार मेरे को लगा ही नहीं था कि भाई इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो गाइस यार हम लोग को यहाँ पे भाई पुलिस वालों को बदलना पड़ेगा, मतलब कि गाइस हम लोग को यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होकर भाई पुलिस वालों की ड्रेस को पहनना पड़ेगा। तो 3, 2, 1 गो। तो गाइस यार हम लोग यहाँ पे पुलिस वाले बन चुके हैं और आई थिंक गाइस यार ये अब हम लोग को अटैक नहीं करना चाहिए, बिकॉज ऑफ यार पुलिस वाले तो पुलिस वाले को अटैक नहीं करेंगे। और गाइस यार मैंने गलती से भाई दूसरी सिटी के पुलिस वाले को ड्रेस लिया है, इसके वजह से यार इन लोगों को सख्त हो सकता है। लेकिन फिलहाल गाइस यार मेरे ख्याल से भाई ये डर के भागा क्यों यार, ये लोग इतने भाग क्यों रहे हैं यार गाइस। और गाइस यार अभी का सीन ये गाइस कोई भी बंदा भाई मेरे को अटैक नहीं कर रहा है, ये भाई पुलिस वाले की गाड़ी जस्ट अभी आई थी मेरे को पकड़ने के लिए। लेकिन गाइस अभी मैं देखो इनके एकदम जस्ट बगल में खड़ा हूँ भाई, ये लोग गाड़ी से उतर भी नहीं रहे, मतलब कि गाइस यार इन लोगों का सब जो है भाई मेरे ऊपर जा चुका है। भाई देखो दो पुलिस वाले बंदे जो भी यार मेरे को फायर कर रहे थे, और गाइस यार ये देखो भाई कुछ नहीं कर रहे हैं। तो गाइस आई थिंक यार हम लोग यहाँ से बच चुके हैं और अभी हम लोग अपनी गाड़ी को उठा के जा सकते हैं घर की तरफ। गाइस यार हम लोगों का यार बहुत ही गंदा वाला धोखा दिया है, और गाइस ये धोखा किसी और ने नहीं यार हम लोग के बहुत ही अच्छे दोस्त ने दिया है। तो गाइस यार उससे तो मतलब हम लोग ले ही लेंगे। फिलहाल अभी इस गाड़ी को उठाते हैं यहाँ से, चलते हैं सीधा अपने घर की तरफ को, और घर में जाके प्लान बनाते हैं कि अपने दोस्त से आखिरकार बदला कैसे लिया जाए। क्योंकि यार गाइस उसने भाई हम लोग के साथ बहुत ही गंदा सीन कर दिया यार, उसको बताना चाहिए था कि हम लोग को वहाँ पे बुलेट प्रूफ वाली गाड़ी नहीं, एक नॉर्मल लिमो मिलने वाली है, तो यार हम लोग वहाँ पे जाते ही ना। लेकिन चलो यार छोड़ो गाइस अभी चलते हैं घर की तरफ सीधा हम लोग। तो गाइस यार अभी हम लोग आ चुके अपने घर के अंदर, और गाइस यार भाई आज के दिन भाई कितना ज़्यादा अजीब था यार, हम लोग के पास भाई अपनी लैम्बो तो वापस आ गए जैसे जैसे करके, लेकिन गाइस यार हम लोग को भाई लीमो नहीं मिली, प्लस यार दोस्त ने धोखा दे दिया, और प्लस यार हम लोग का नाम भाई दोबारा से गैंगस्टर वाइब में आ चुका है। तो गाइस यार हम लोग सारी चीज़ों को भाई ध्यान में रख के सारे आगे कदम को उठाना पड़ेगा, और अब प्लान बनाते हैं भाई आगे हम लोग को क्या करना है आखिरकार। तो गाइस यार भाई मेरे को बताया गया था कि भाई वो जो गाड़ी है भाई बुलेट प्रूफ है, लेकिन यार गाइस जब हम लोग भाई उस गाड़ी को उठाया तो भाई उसने यार पुलिस की भाई बुलेट लगी उस पर कि भाई वो गाड़ी पूरी बुलेट ब्लास्ट हो गई, मतलब कि यार हम लोग के साथ भाई धोखा किया गया था। तो गाइस यार हम लोग भाई आज और इस वीडियो को यहीं पर एंड करना होगा। आई होप आप लोग आज वीडियो पसंद आगे पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर ना आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।